नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय नंबर 5 नारद जी के द्वारा व्यास देव को श्रीमद्भागवत के विषय में आदेश। श्लोक नंबर हम चर्चा करेंगे 24। जैसा कि पिछले रविवार को हम लोग चर्चा किए थे उसके पहले वाला श्लोक 23 वाला श्लोक, उसमें नारद मुनि बताते हैं कि किस तरह से पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे और दासी पुत्र होते हुए भी एक वेदवादी ब्राह्मणों वेदांतियों के संपर्क में आए, उनकी सेवा किए और उनकी कृपा से भक्ति करने को उनको मिला। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो अपने जो स्वभाव है किस तरह से उनके सामने प्रस्तुत करते थे उन ब्राह्मणों के सामने। ते मय पेता खिल चापले अर्भके दान्ते अधित्र क्रीडन के अनुवर्तिने चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणि। ते मय पेता किल चापले अर्भके दान्ते अधीत क्रीडनके अनुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणि। हे मय पेता अखिल चापले अर्भके दान्ते अधीत क्रीडनके अनुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणि। इसका शब्दार्थ है ते मने वे, आप लोग भी दोहराएं तो अच्छा रहेगा, मई मुझ में अपेत ना भोगकर अखिल सभी प्रकार की चापले रुचियां अर्भके बालक दान्ते इंद्रियों को वश में करके अधृत क्रीडनके खेल कूद की आदतों में अभ्यस्त ना होकर अनुवर्तिनी आज्ञाकारी चक्रुः प्रदान किया कृपाम अहेतुकी कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना स्वभाव से निष्पक्ष शुश्रूषमाणे श्रद्धावान के प्रति मुनयः
वेदांत के अनुयायी मुनिगण अल्पभाषिणी मितभाषी कम बोलने वाले अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जित था और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल ना था और कभी भी जरूरत से ज़्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। मेरे पीछे दोहराइए, यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी मैं इंद्रिय जित था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल नहीं था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था मितभाषी था। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि वेदों के केवल तीन विषय हैं, भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु, ना कोई शिक्षित है और ना अशिक्षित, ना कोई विशेष रूप से अनुकूल है और ना कोई प्रतिकूल। भक्ति वेदांत जन यह देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी काम उद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित कराना। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रिय जीत बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था और वह बचपन के खेलकूद से विरक्त हो गया था, किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता है, जहां उन्हें ये सारी चीज़ें नियमित ढंग से सिखाई जाती है। चाहे वे सामान्य नागरिक के पुत्र हों या राजकुमार हों, यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए उसे तैयार करने के लिए भी अनिवार्य था। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था। यहाँ तक कि जब पिता बालक की माता के गर्भ में स्थापित करता था तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। बालक को भवबंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना
तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। जय ओम अज्ञानमिन्नमस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं निस्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानुतास् हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तत्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि विशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूर्यस्य कृपासिन्धुर्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।